और बानगी आई है उत्तर प्रदेश में बढ़ते क्राइम की, रिवॉल्वर रानी की। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में शादी के मंडप से दूल्हे को पिस्टल की नोक पर किडनैप करने वाली आरोपी को अब पुलिस ने आज बांदा में गिरफ्तार कर लिया। फिल्मी स्टाइल में दूल्हे को सात फेरों से ठीक पहले मंडप से उठाने वाली लड़की का ये कहना है कि वो 8 साल से उस लड़के को जानती है और उसने कह दिया था कि वो उसकी शादी कहीं और नहीं होने देगी। क्या है इस रिवॉल्वर रानी की पूरी कहानी, आप समझिए। ये है असली रिवॉल्वर रानी। मैंने कहा था कि मैं शादी नहीं करने दूंगी, मैं सुख को 8 साल से जानती हूं। अंधेला में जो है तो कोई लड़की आई तो लड़का को ले गई। लड़की आई तो लड़के का तुरंत वो जो पहरे था जामा, उसने तुरंत किया, दोनों पिस्टल लिए थे दो, एक अपने लगाया और एक लड़के के लगाया। सो उसने कहा कि मैं मारूंगी नहीं, चलो। यूपी के हमीरपुर में इस लड़की ने वो किया जो सिर्फ आपने फिल्मों में देखा होगा, जिससे मोहब्बत की उसे मंडप से उठा कर ले गई। दूल्हे को मंडप से बंदूक के दम पर ले जाने वाली रिवॉल्वर रानी को पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद ढूंढ निकाला। पुलिस थाने में वर्दी वालों से घिरी ये लड़की मुस्कुराकर बड़े इत्मीनान से बिना किसी डर के पुलिस वालों को बता रही है कि जिसे 8 साल से जानती है उससे कह दिया था कि शादी कहीं और नहीं होने दूंगी। मैंने कहा था कि मैं शादी नहीं करने दूंगी, तब बस कहा था, पर मैंने अशोक से ये नहीं बताया था कि मैं आ रही हूँ, अशोक को 8 साल से जानती हूँ। अशोक नाम का ये वही दूल्हा है जिसे रिवॉल्वर रानी उसकी शादी के मंडप से उठा कर ले गई थी। अशोक के आंसू नहीं रुक रही हैं। पहले बताओ क्या हुआ था। वो उस रात को याद नहीं करना चाहता जब उसकी कनपट्टी पर बंदूक लगाकर उसे उठा लिया गया था, लेकिन रिवॉल्वर रानी को अपनी पूरी कहानी बताने में कोई गुरेज नहीं। उसका चेहरा उतरा ही था क्योंकि उसके मन से शादी नहीं हो रही थी, उसे भी शादी करने का कोई मूड नहीं था। वो था, उसने अपने घर परिवार सबसे कहा था, लड़की वालों को भी पता चला था कि लड़की लड़का किसी और से करता है। दूल्हे को बीच मंडप से सबके सामने उठाने वाली इस लड़की का कहना है कि अशोक के साथ उसने कोर्ट मैरिज करने की तैयारी की थी लेकिन शादी हो नहीं सकी। नहीं, शादी नहीं हुई, उसे कोर्ट मैरिज करनी थी तो फिर उसी दिन, तो पर मेरे पास कागज नहीं थे, इसलिए नहीं गई। हालांकि आरोपी वर्षा साहू इस बात से इनकार कर रही है कि वो बंदूक लेकर गई थी, लेकिन चश्मदीदों को आज भी पूरा वाकया याद है। लड़की ने प्रारंभिक पूछताछ में बताया है कि दोनों प्रेमी प्रेमिका थे, 8 साल से एक दूसरे को जानते हैं और लड़के का भी वहाँ पे शादी करने का मन नहीं था, तो लड़की वहाँ पे पहुंची थी और उसके बाद फिर लड़के को वहां से लेके चली। इस रियल लाइफ लव स्टोरी के रोमांस, एक्शन और ड्रामे के चर्चे आजकल हर किसी की जुबान पर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। उससे ज्यादा बड़ी और सीरियस बात यह है कि पुलिस में भरोसा नहीं है, यही वजह है कि लड़की पहले पुलिस स्टेशन नहीं पहुंची, और दूसरा पुलिस का खौफ नहीं है, यही वजह है कि लड़की पिस्टल लेकर वहां पर पहुंच गई।